भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन। कल बेंगलुरु में डीआरडीओ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे मोदी। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने 5 दिवसीय साइंस कांग्रेस का किया उद्घाटन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट रखी गई इसकी थीम। महाराष्ट्र में देर रात तक चली माथापच्ची के बाद भी नहीं हो सका मंत्रालयों का बंटवारा। क्या 5% पर फंसा है पेच। कोटा के जेकेलॉन अस्पताल में 1 महीने में 104 बच्चों की मौत। केंद्र सरकार की विशेषज्ञों की टीम आज जाएगी कोटा। विशेषज्ञों की टीम कोटा में अस्पताल का लेगी जायजा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों पर उंगली उठाने वाले डीजीपी ओपी सिंह बोले, कहा एसएसपी गौतम बुद्ध नगर वैभव कृष्ण का कृत्य सर्विस रूल के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सेशन को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने युवा वैज्ञानिकों को देश के विकास, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक डेवलप करने की ओर काम करें। प्रधानमंत्री ने यहां एक नया लक्ष्य तय ताकत बढ़ाई है, लेकिन अब वक्त आया है कि हम समुद्र के क्षेत्र में भी अपनी ताकत को बढ़ाएं। समुद्र में भी हमें पानी, फूड और एनर्जी के क्षेत्र में काम करना होगा। पीएम ने कहा है कि समुद्र की गहराई में उत्तर वहां का मानचित्र बनाने और जिम्मेदारी से सतत पोषणीय विकास की भावना पर आधारित संसाधनों के दोहन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर आईस्टेम पोर्टल को लॉन्च किया और जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए हमारी सरकार कैश क्रॉप और एक्सपोर्ट केंद्रित कृषि व्यवस्था तैयार करने पर जोर दे रही है। जब कृषि उत्पादों की निर्यात की बात आती है तो इसमें पुरातन काल से ही दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का अहम रोल रहा है। इसका कारण एक तो यहां का मौसम, यहां की मिट्टी है और दूसरा समंदर के रास्ते विश्व से आसान कनेक्टिविटी। साउथ के फैसले का इंतजार रहेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा है कि 95% विभागों को लेकर सहमति बन गई है और बाकी 5% पर सीएम उद्धव जी को भी फैसला लेने को सबको मान्य होगा। इससे पहले कल शिवसेना नेता संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी के नेताओं को लेकर मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है और इसमें बाला साहेब थोराट को राजस्व मंत्रालय, अशोक चव्हाण को पीडब्ल्यूडी, यशोमती ठाकुर को महिला बाल विकास, वर्षा गायकवाड़ को वैद्यकीय शिक्षण,
सुनील केदार को ओबीसी, असलम शेख को वस्त्रोद्योग, अमित देशमुख को शिक्षा, केसी पडवी को आदिवासी मंत्रालय दिया गया है। तो वहीं कोटा के जेके लॉन हॉस्पिटल में एक माह में 100 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। इसको लेकर अब केंद्र सरकार का एक दल शुक्रवार को कोटा पहुंचेगा और लगातार रही मासूमों की मौत की समीक्षा करेगा। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों सहित एम्स जोधपुर के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। यह दल बाल चिकित्सा सेवाओं, कर्मचारियों और उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना भी बनाई जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि कार्य योजना बनाने के साथ ही कोटा मेडिकल कॉलेज को NHM और राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के जरिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी पता किया जाएगा कि हॉस्पिटल में किन उपकरणों की कमी है और उनको लगाने में कितना खर्च आएगा। यह दल केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भी देगा। एक और जहां CA और NRC को लेकर प्रदेश भर में हुए आंदोलन और हिंसक झड़पों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन का नाम सामने आया है, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब इसके समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ बात करेगा उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा या इस प्रकार से बदनाम किया जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर चल रहे CA और NRC को लेकर अभी तक केंद्र सरकार को कोसने वाले छात्र अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन के भी पक्ष में आ गए हैं। यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि अभी यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही हैं, अजीज ही स्टूडेंट आ जाएंगे, उसी दिन से हम लोग इस धरने को 24 घंटे के लिए शुरू कर देंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इनको बताना चाहिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कौन सा सख्त आतंकवादी है। इनको वो हर आवाज़ बुरी लग रही है जो इस सरकार के खिलाफ में है। उसने कहा है कि ना तो कोई हथियार वहाँ से मिलना, ना ही कोई आपत्तिजनक चीज़ वहां से मिली है। सरकार की कुछ एजेंसियां हैं जो सिर्फ सरकार के लिए कार्य कर रही हैं। CA के खिलाफ जो एक्ट आया था, ये काला कानून आया था, पास हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पे लगातार चल रहा है। 15 तारीख को यहां पर एक हंगामा सा हुआ, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो गई, तब से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। दिन में चल रहा है, रात में चूँकि ठंडक हो जाती है, लड़कियाँ भी चली जाती हैं, तो दिन में हम लोग इसलिए कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है हॉस्टलों में, और जिस दिन आ जाएगा तो हम ये 24/7 कर देंगे इंशाल्लाह। खबर यूपी के बाराबंकी से। बाराबंकी की तहसील सिरौली होसपुर क्षेत्र के अंतर्गत हजरत गांव में स्थित गौ आश्रम केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां रखे गए छोटे जानवरों के चारा पानी और दवाई की उचित व्यवस्था न किए जाने से जानवरों की हालत दयनीय हो गई है। गौशाला में कई जानवर मर चुके हैं जिन्हें गौ आश्रय केंद्र में ही एक कोने में दफना दिया गया है। बता दें कि गौ आश्रय केंद्र में जानवरों के बीमार होने और उनके मरने की सूचना पाकर ग्रामीणों ने जब गौ आश्रय केंद्र पर जाकर देखा तो उन्होंने वहां की दुर्दशा देख सिरौली गोसपुर के SDM को जानकारी दी, जिस पर SDM ने मौके पर जांच करने के लिए तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो सीताराम को अन्य तहसील कर्मियों के साथ भेजा। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे रजिस्ट्रार कानूनगो ने गौशाला का निरीक्षण कर बताया कि 4-5 जानवर गंभीर रूप से घायल और बीमार हैं, वहीं 2 जानवर मृत पाए गए हैं और कई दर्जन का जानवर गौशाला में गड्ढों में दफना दिए गए हैं। कानूनगो ने बताया कि उपजिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। बढ़ते आगे, बिजनौर में देर रात एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हो गया जब नमाज पढ़कर लौट रहे दादा पोते को स्विफ्ट कार ने रौंद डाला। दरअसल बिजनौर के शिवहारा थाना क्षेत्र के कस्बा सहसपुर में देर रात एक स्विफ्ट डिजायर कार ने नमाज पढ़कर निकल रहे 2 लोगों को रौंदा। ईशा की नमाज पढ़कर निकल रहे बुजुर्ग दादा कदीर अहमद और 5 साल के पोते उमेर को काठ की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने रौंद डाला, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर कार की स्पीड इतनी तेज थी कि दोनों मृतकों को लगभग 100 मीटर की दूरी तक कार घसीट कर ले गई। घटना के बाद मौके पर ड्राइवर को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उधर परिवार में हुई 2 लोगों की मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये था कि ईशा की नमाज के बाद ये नमाज पढ़ के निकल रहे थे। ये कदीर मिस्त्री के नाम से मशहूर है यहाँ, और ये हाजी यूनुस उनका पोता था 10-12 साल का। तो वो जैसे मस्जिद से बाहर निकले तो वो गाड़ी आ रही थी कार्ट की साइड से। अब उन्होंने ये मोड़ है, मोड़ की वजह से या
ओवर स्पीड थी उनकी इतनी ज़्यादा भाई साहब, तो उन्होंने सीधा आके उन्हें दोनों आदमियों को, एक बच्चे को और उन आदमी को, दोनों को हिट कर दिया। और हिट करने के बाद जैसे उन्होंने फिर दाने मोड़ी गाड़ी, तो फौरन वो सामने जाके नाले में फंस गई, रॉन्ग साइड में। जब नाले में फंस गई गाड़ी वो, तो फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई, जल्दी से निसार भाई हैं ये जल्दी उठा के डॉक्टर को ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया इसे जल्दी मुरादाबाद ले जाओ, तो आसिम भाई और ये हम वगैरह सब जल्दी कोसमोस से ले गए। जैसे वहाँ हम इन दोनों को लेकर पहुँचे, तो इन दोनों को देखते ही डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। पता चला है कि किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दरअसल बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के कॉलोनी सुरेंद्र नगर में एक मकान में 13 वर्षीय किशोरी सलोनी की लाश संदिग्ध अवस्था में मकान के अंदर मिली है। किशोरी सलोनी किराएदार सत्य प्रकाश के मकान में काम करने के लिए आई थी। यह किशोरी जनपद के नूरपुर थाना क्षेत्र के चेली गाँव की रहने वाली बताई जा रही है। उधर शहर कोतवाल राजकुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम स्थल से किशोरी का शव मकान की दूसरी जगह पर मिला है। किशोरी के घर वालों को बुलाया जा रहा है। पुलिस हर पहलुओं पर जानकारी जुटाकर जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात असम की। असम राज्य के नलबारी शहर में नलबारी छात्र संस्था ने असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और नलबारी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कल जो नलबारी में छात्र संस्था ने नागरिकता संशोधनी कानून को खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को काला झंडा दिखाकर प्रतिवाद किया था, उसके बाद नलबारी प्रशासन ने छात्र संस्था के एक नेता को बहुत बुरी तरह से पीटा था और नलबारी के पत्रकार को भी गाली दी। उसी कारण नलबारी छात्र संस्था ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर पुतले को शहर के बीचों बीच में फांसी देकर अपना प्रतिवाद किया। इस प्रतिवाद में मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, नलबारी पुलिस मुर्दाबाद, बीजेपी गो बैक, जे आई असम का भी जमकर नारे लगाए। कल जो हम सर्वसी एम आई था नलबारी में, जो हम छात्र संस्था और दूसरी संगठन ने जो प्रदेश किया था, हम काली झंडी दिखाई थी, उसमें हमारा जो छात्र नेता है उसको बुरी तरह से पुलिस ने किया और जो पत्रकार है उसको बुरी बात बोली पुलिस ने, इसलिए हमको, हमने जो गृह विभाग का दायित्व में है, हमारा असम का सी एम सर्वानंद सोनोवाल, उसके विरोध हम विश्व रख पे उसका फांसी देकर हम। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।